दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नाइक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 1 तारीख को यानी कल Redmi लॉन्च करने वाला इंडिया में Redmi 12 दो है, 4G एंड 5G। प्राइसिंग आपको 10,000 से 15,000 के बीच में मिलेगी दोनों की, दोनों आएंगे 4G प्लस 5G। बट एक चीज है, Redmi 12 5G जो है ये फिर से आएगा इसी महीने यानी अगले अगस्त के मंथ में किसी और ब्रांड के अंडर रीब्रांडिंग होके। आज से करीब करीब 1 महीने पहले 2 जुलाई को कैस्पर क्रेजी पैक करके एक टिप्स्टर है, उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि Redmi 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, सेम स्मार्टफोन 3 अलग अलग नाम से। Redmi Note 12R के नाम से ग्लोबल जाएगा, Redmi 12 5G के नाम से इंडिया प्लस ग्लोबल जाएगा एंड Poco M6 Pro के नाम से इंडिया में आएगा। आज हिमांशु टंडन जो कि Poco इंडिया के हेड है उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि जल्दी आने वाला है। तो अभी बताया तो ऑब्वियसली अगले महीने लॉन्च हो ही जाएगा, 1 महीने बाद तो नहीं करेंगे। तो ये स्मार्टफोन भी इंडिया आने वाला है, स्पेसिफिक एग्जैक्टली वही होंगे जो Redmi 12 5G में आपको देखने को मिलते हैं। क्या 6.79 समझ लो कि 6.8 इंच का ऑलमोस्ट आपको IPS LCD का पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा। अच्छी चीज है, फुल HD प्लस का होगा, देखने में अच्छा लगेगा। रियर साइड पे ड्यूअल सेंसर ही है, ट्रिपल दिखता है उसमें एक फ्लैश है लेकिन ड्यूअल सेंसर है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फ्लैट है, देखने में अच्छा लगता है, जिस पसंद आएगा आपको अच्छा लगेगा। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो उसमें स्नैपड्रैगन का नया वाला स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जो है ना वो चिपसेट आने वाला है। इसको सब लोग पूछते हैं कैसा है ये, स्नैपड्रैगन 695 से बेटर है भाई, काफी अच्छा चिपसेट है। स्कोर की बात करोगे तो 3.5-4 लाख के आसपास का स्कोर दे देता है, तो परफॉर्मेंस तगड़ा वाला है। 5G बैंड अच्छे खासे मिल जाएंगे, सारे गेमिंग सब खेल पाओगे, इश्यूज नहीं आएंगे, 4 NM पे भेज रहे तो बैटरी एफिशिएंसी आपको सही मिल जाएगी। चलिए अच्छी बात है। एंड्रॉइड 13 के ऊपर आएगा जो कि MIUI 14 के साथ है, उसके साथ आने वाला है। थोड़े से ब्लूटूथ रहते हैं लेकिन आप डिलीट कर पाओगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कैमरा की, तो 50 MP का डुअल कैमरा होगा, 50+2 का 5 MP वाला फ्रंट होगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है लेकिन रियर से 4K फ्रंट से 1080 कर पाओगे, बूके पैनोरमाइज या सब कर लोगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, एवरेज डिसेंट एवरेज कैमराज हैं। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद बात करोगे बैटरी की, तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। इसके साथ साथ आपको 18W का चार्जर आएगा टाइप सी के पोर्ट के साथ, तो बड़ी बैटरी, डिसेंट फास्ट चार्जर टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, 3.5mm जैक, एक्सेलेरोमीटर है, मेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जितने सेंसर्स याद कर लो सारे के सारे मिल जाएंगे, पॉसिबिलिटी स्टीरियो स्पीकर्स भी, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट होगा, एक्सपांड कर पाओगे, बेस वेरिएंट 6GB 128GB एंड 8GB 256GB दो आने वाला है, कहा जा रहा है 6GB 128GB वाला है, ये आपको 13,000 यानी 12999 तक आएगा, ऑफर लगा कि आपको 11999 में मिल जाएगा 12,000 तक एंड इसके अलावा जो 8GB 256GB वाला है 15,000 के आसपास तक जाएगा। देखिए क्या लेकर आते हैं, कहा जा रहा है बहुत ज्यादा तो नहीं वेट करना चाहिए, अभी कर दिया तो समझ लो कि अगले 15 दिन के अंदर तो लॉन्च हो ही जाना चाहिए, 4-5 दिन 6 दिन में आपको इसका लॉन्च डेट भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से पहली बार सेल पे शायद ये 15 अगस्त के आसपास की डेट पे आए, देखते हैं जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे बता दूंगा। उन्होंने ऑफिशियल कर दिया अपनी तरफ से कि लॉन्च हो रहा है इंडिया में, वेट कर लेते हैं। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, कैसा लगा वीडियो में बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, मेरे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो बैक में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ ना कुछ साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।